हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए राजीव अरोड़ा। थैंक्स फॉर लाइकिंग, वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल सीए प्लस। इन द लास्ट डिटेल्ड वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। अब आपको बिजनेस सेटअप करना है और आपको पार्टनरशिप फॉर्म में करना है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कैसे सेटअप होती है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है और उसकी क्या टैक्सेशन है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए प्लस एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब मेरे पास काफ़ी सारी क्वारीज आ रही थी कि इन टॉपिक्स पे वीडियो होने चाहिए, तो उसमें से क्रेडिट कार्ड यूसेज पे काफ़ी क्वारीज आई। तो नाउ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स है और आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल द यूजिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्स। अब हम सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उसको स्वाइप करते हैं मर्चेंट के पास या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप उसमें टू वे ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। टू वे ऑथेंटिकेशन मींस कि एक ओटीपी आपके मोबाइल पे या ईमेल पे भी आए साथ में, तो उससे क्या होगा कि टू वे ऑथेंटिकेशन में कोई भी क्रेडिट कार्ड का आपका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड आपको लगता है कहीं वो थेफ्ट हो गया है या कहीं गिर गया है और कहीं मिसयूज़ हो गया है, तो आप उसका कस्टमर केयर पे जाके उसकी 48 आवर्स में कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं और उस कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। और एक नंबर है 1930, आप उस पर भी जाके कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं। उसके बाद बैंक उसको वेरीफाई करता है। अगर जेन्युइनली लगता है कि आपकी के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हुआ है और अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो पैसे आपको बैंक से रिफंड भी हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेट ट्रांजेक्शन लिमिट्स। अब आप क्रेडिट कार्ड की यूसेज करती है, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है, तो आपको पता है कि मैं हर टाइम 3 लाख रुपए यूज़ नहीं करता हूँ या मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत कम करता हूँ, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल ऐप में जाके क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को या ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट रेज करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को लगता है कि मैं कैश विड्रॉवल करता ही नहीं हूँ क्रेडिट कार्ड से, तो मैं उसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं इस पूरे साल में मैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करूंगा, तो मैं इंटरनेशनल अपने कार्ड की यूसेज को ब्लॉक कर सकता हूं। तो उस केस में क्या होगा, अगर कहीं मेरा कार्ड गुम भी गया या थेफ्ट भी हो गया, तो उस केस में मेरे वो कार्ड का जो लॉस है, जो उस पर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, वो बेयर मिनिमम हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिफरेंट लिमिट्स को सेट कर सकता हूँ कि मेरे को विड्रावल पे कितनी लिमिट चाहिए, मेरे को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे कितनी लिमिट चाहिए। और हम सब लोग पेट्रोल पंप पे जैसे कार्ड को यूज़ करते हैं, तो उसमें टैप का ऑप्शन होता है, तो आप अपने टैप की जो लिमिट है कि ताकि मेरे को ओटीपी ना आए या मेरे को पिन ना डालना पड़े, तो अपने टैप की लिमिट को 1000 या 2000 रुपये रख सकते हैं कि आपको लगता है कि हर बार मैं 2000 रुपये तक का पेट्रोल डलवाता हूँ, तो टैप की लिमिट 2000 रुपये तक रख सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर किसी के हाथ आपका कार्ड लग भी गया, तो कार का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा ज़्यादा 2000 से ज़्यादा, तो आपका लॉस बेयर मिनिमम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यूज़ 2-3 कार्ड्स फॉर विद अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड। मतलब कि आपके पास 2-3 कार्ड होंगे, तो अगर अब मैं मान लीजिए कहीं कहीं शॉपिंग करने गया और मेरे को 1 लाख की शॉपिंग करनी है, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, नॉर्मली एक आपका क्रेडिट साइकिल होता है जो कि नॉर्मली 1 मंथ का होता है, फिर आपको उसके बाद आपका बिल रेज होता है और बिल के बाद भी आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे 40 से 50 दिन का आपको पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड यूसेज के लिए। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको ध्यान रखनी है कि लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहती है कि मेरे को हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 50 दिन का क्रेडिट मिलेगा। गलत। मान लीजिए मेरा क्रेडिट साइकिल फर्स्ट से लेके 30th ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ है, तो दैट मींस कि मैं चाहे ट्रांजेक्शन फर्स्ट को करूं, चाहे मैं 15th को करूं, चाहे मैं 30th को करूं, लेकिन मेरा जो बिल है वो अगले महीने की 1st तारीख को जनरेट होगा और मेरे को 20 या 25 दिन का क्रेडिट मिलेगा। तो अगर जो मैंने परचेज 1st तारीख को की थी उसके लिए मेरे को 50 दिन का क्रेडिट मिलेगा, जो मैंने परचेज 15 को की थी उसमें मेरे को 35 डेज का क्रेडिट मिलेगा, जो मैंने 30th को की थी उसमें मेरे को 20 डेज का क्रेडिट मिलेगा। तो जब आपके पास 2-3 कार्ड्स हैं और आपको कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपको इस चीज़ का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैं कोई क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ और मेरे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट बिलिंग साइकिल की 30th है और मैं 29 को ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इफेक्टिवली मेरे को 20 दिन का ही क्रेडिट मिलेगा। तो मैं उस कार्ड को यूज़ ना करके किसी दूसरे कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ जिसमें कि मेरी क्रेडिट लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। अब 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए ध्यान रखना है, ऑटो पे क्रेडिट कार्ड ड्यूज़।
आप अपने सेविंग अकाउंट पे एक ऑटो पे की कमांड लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल रेज हो तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पे हो जाए। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आपने जिस अकाउंट से ऑटो पे की लिमिट लगा रखी है उस अकाउंट के अंदर आपका सफिशेंट क्रेडिट कार्ड का सेविंग अकाउंट का पैसा पड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस दिन ऑटो पे की वो डिमांड रेज हुई उस दिन आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो आप पे बैंक चार्जेस ले कर देगा, और दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। तो और तीसरा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की नॉर्मल 30,000 रुपए का बिल आया तो उसमें आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आई विल ऑलवेज एडवाइज कि आप फुल पेमेंट करिए, क्योंकि अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं, अगर आप पेमेंट मिनिमम पेमेंट एक होता है मिनिमम पेमेंट, अगर आप मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पीनल चार्जेस लगते हैं और लेट पेमेंट चार्जेस और साथ में इंटरेस्ट लगता है विच रेंजेस फ्रॉम 24% to 48%। तो आपको मिनिमम अमाउंट तो पे करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं तो भी जो क्रेडिट कार्ड पे पीनल चार्जेस तो नहीं लगेंगे आपको, लेट पेमेंट चार्जेस तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट है विच रेंजेस फ्रॉम 24% to 48% विच इज़ अ वेरी वेरी हाई अमाउंट। और जितनी भी क्रेडिट कार्ड ये कंपनीज हैं नॉर्मली इनकी अर्निंग आपकी लेट पेमेंट फीस और इंटरेस्ट से ही ज़्यादा होती है। तो आपको ये चीज़ बड़े ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑटो पे लगा रखा है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस हो। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, चूज़ ए क्रेडिट कार्ड अकॉर्डिंग टू यूर यूसेज। तो आप किस टाइप की आपकी क्रेडिट कार्ड की यूसेज है आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए ICICI बैंक की बात करूं तो ICICI बैंक में भी 5-6 क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होंगे, रिगेलिया है, सिग्नेचर है, प्लेटिनम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अमेजोन के साथ ICICI का क्रेडिट कार्ड का लिंक है, इसी तरह HDFC क्रेडिट कार्ड के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्रेडिट कार्ड जो आपने बनवाया है आपका यूसेज क्या है। अगर आपका यूसेज ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल का है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आप लाउंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्री, यू कैन गेट अ ब्रेकफास्ट और अ लंच कॉम्प्लीमेंट्री वेन एवर यू आर विजिटिंग अ लाउंज। तो आपको इस, और अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो आपको ध्यान रखना कि आपको ऐसा कार्ड चाहिए जहाँ पे मूवी की ऑफर्स वन पे एक टिकट पे एक टिकट फ्री है या 25% या 50% ऑफ है। तो आप, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं मान लीजिए अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो देर इज़ अ को ब्रांडेड कार्ड आल्सो। तो जैसे अमेजोन का ICICI के साथ लिंक है तो ICICI अमेजोन का को ब्रांडेड कार्ड है, तो आपको उसमें रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसमें दो तरह के एडवांटेज होते हैं, एक होता है कैशबैक, एक होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स। कैशबैक मीन्स कि अगर आप कार्ड की यूसेज कर रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट कैशबैक मिल जाती है, और रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब आपको पॉइंट्स में, जैसे आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने के ऊपर आपको 2 रुपये या 3 रुपये का तीन पॉइंट्स का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो कि बाद में जितने भी आपके लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको आप रिडीम कर सकते हैं इन द शेप ऑफ टेकिंग गिफ्ट्स, और या फिर आप उसको जब आपकी एनुअल फीस पे करनी होती है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रह रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी एक टाइम लिमिट होती है कि अगर वो 1 साल तक वैलिड है उसके बाद उनकी एक्सपायरी शुरू हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप टाइम टू टाइम या तो उसको जो आपकी एनुअल फीस है उसको रिडीम करने के लिए, उसको पे करने के लिए, या आप उसमें गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज़ ऑल योर क्रेडिट कार्ड्स टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है 2 लाख रुपये की उसकी लिमिट है और मैं पूरा का पूरा उसको हर टाइम यूज़ रखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर मंथ मेरी यूसेज 1.5 से 2 लाख रुपये की हो जाती है। तो उस केस में मेरे को ध्यान रखना है तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो नॉर्मली कम बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मेरी यूसेज 100% के करीब है। लेकिन अगर मेरे पास 3 से 4 कार्ड हैं, मान लीजिए 2-2 लाख के 3 कार्ड हैं जिनकी लिमिट 2-2 लाख रुपया है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास 6 लाख की क्रेडिट लिमिट है और मेरा क्रेडिट यूसेज 60,000 रुपया एवरेज होता है महीने का। दैट मीन्स मेरी क्रेडिट यूसेज 10% के करीब है। नॉर्मली
33% तक की, 30% से जो कम की लिमिट होती है, विच इज कॉल्ड अ गुड लिमिट, कि अगर मेरी 6 लाख की क्रेडिट लिमिट्स है सारे कार्ड्स को मिला के और मैं 1,80,000 रुपये तक कार्ड का यूज कर रहा हूँ, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड क्रेडिट यूसेज ऑफ द कार्ड्स। और अगर नॉर्मली 10% जो होता है अगर यूसेज है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ आइडियल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 3 या 4 कार्ड्स हैं तो इट हेल्प्स मी इन इम्प्रूविंग माई क्रेडिट स्कोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चेक ऑल बेनिफिट्स एंड रिस्क। इसका मतलब है कि जब आप नया क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो उसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उस कार्ड के क्या रिस्क हैं अटैच, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। जब मैं कोई भी नया कार्ड इशू करवाता हूँ, अब मान लीजिए उसमें लॉन्च फैसिलिटी है, इंटरनेशनल ट्रैवल के और बेनिफिट्स है, मेरा एयरलाइन पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक्सीडेंटल कवर इंक्लूडेड है, लेकिन मैं साल में ट्रैवल ही नहीं करता हूँ फॉरेन में, तो दैट मीन्स और उसकी फ़ीस 2,000 रुपया है, तो मेरे लिए वो कार्ड की यूसेज नहीं है। तो मेरे को ऐसा कार्ड बनवाना चाहिए जिसमें मेरे को लगे कि इस कार्ड पे मेरी जो लिमिट है, मेरे को ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें मेरी चाहे 100 रुपया या 200 रुपये एनुअल चार्जेस हो, चाहे ज्वाइनिंग फी या एनुअल फी निल हो, लेकिन उस कार्ड से मेरे बेनिफिट जिस टाइप के मैं चाहता हूँ, मान लो जो मैं मूवी गोअर हूँ, तो मेरे को ऐसा कार्ड चाहिए जिसपे मूवी टिकट्स का एडवांटेज है। मान लो मैं रेलवे में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो IRTC का को ब्रांडेड कार्ड है, जो बहुत सारे बैंक्स के साथ मिलके वो को ब्रांडेड कार्ड निकालते हैं, तो आपको वो वाला कार्ड लेना चाहिए ताकि आप उसका यूसेज जिस भी हिसाब से करेंगे वो को ब्रांडेड कार्ड आपको उस तरह के बेनिफिट्स देगा। और जब भी आप नेक्स्ट टिकट परचेज करने के लिए जाएंगे, मान लो IRTC का को ब्रांडेड कार्ड है, तो उस केस में आपकी नेक्स्ट टिकट में वो पैसे आप रिडीम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ क्या रिस्क और क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बी वेरी ऑफ द EMI ट्रांजेक्शंस। अब बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग करने पर जाते हैं, दिवाली का टाइम पास में आ रहा है और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और उनको बोला जाता है, सर इस कार्ड पर आपने फ्रिज खरीदा या TV खरीदा, आप इसकी EMI करवा लीजिए, विच रेंजेस फ्रॉम 3 मंथ टू 36 मंथ्स। तो उस केस में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप EMI करवाएंगे, एक तो आपकी जो मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये की शॉपिंग की और उसने उसकी आपने 12 किस्तें बनवा ली, एक तो उसमें क्या होता है, पहले आपसे बैंक प्रोसेसिंग फ़ी लेता है, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी 199 रुपये होती है या ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपको उस कॉस्ट को भी फैक्टर इन करना है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो आप EMI बनवाते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी लगता है। अब कुछ कंपनीज की स्कीम होती है जिसमें कंपनी क्या करती है, मर्चेंट जो होता है वो क्या करते हैं कि वो उस मान लीजिए मैंने सोनी का TV खरीदा है, तो वो बोलते हैं कि अगर आप ये TV लेंगे तो उस केस में आपकी 6 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI बन जाएगी। डैट डजेंट मीन्स कि उसमें मेरे को कुछ नहीं देना है, उसमें एक तो बैंक मेरे से प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करेगा, दूसरा जितनी भी मेरी इंटरेस्ट फैक्टर होगा मंथली डिले का, उसके ऊपर GST का कंपोनेंट मेरे को देना पड़ेगा। तो ये 2 कॉस्ट को आपको फैक्टर इन करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैंने 1,00,000 की परचेजिंग की है और मेरी मान लीजिए 10 EMI 10,000 रुपये की बन गई, तो इस दैट डजेंट मीन्स कि अगले महीने मेरे और मेरे कार्ड की लिमिट 2,00,000 है, तो इसका डजेंट मीन्स कि अगले महीने में 1,90,000 की परचेजेज और कर सकता हूँ। गलत। आपकी अगर 2,00,000 की लिमिट है और आपने 1,00,000 का सामान खरीदा है और आपकी उसने 10 EMI बनवा ली है, तो आपकी क्रेडिट लिमिट 1,00,000 रुपये से ब्लॉक हो जाएगी। दैट मीन्स कि 2,00,000 रुपये की लिमिट है तो 1,00,000 की आपने फर्नीचर खरीद लिया, चाहे उसको EMI में खरीदा है, लेकिन नेक्स्ट जो आप परचेज करेंगे उसमें सिर्फ आपको 1,00,000 का अवेलेबल बैलेंस मिलेगा। तो ये कुछ क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूसेज। और क्रेडिट कार्ड पे कभी भी पेमेंट का डिले मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट का डिले करते हैं, एक तो आप लेट पेमेंट देते हैं और दूसरा आपको इंटरेस्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज इन द होल वीडियो विच आई हैव डिस्कस्ड इज एंड आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन इज कि लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं वो 24% से लेके 48% तक है, विच आर वेरी वेरी हाई। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर वैसे ही अच्छा है, तो आप इतना हाई यूसेज करके इंटरेस्ट पे करने की बजाय आप कोई कंज्यूमर लोन ले लीजिए या होम लोन ले लीजिए या कुछ और लैब फैसिलिटी ले लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो क्रेडिट कार्ड को पेमेंट्स को डिले करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के एक मन में क्वेश्चन भी आता है कि सर मेरे तो बैंक बैलेंस बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है,
तो मेरे को क्या क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? तो मेरा मेरा आंसर है यस, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको डेबिट कार्ड पे नहीं लेते। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है। अगर मैं ढंग से क्रेडिट कार्ड का यूसेज कर रहा हूँ, और मैं पिछले मेरे ख्याल 15-20 साल से क्रेडिट कार्ड का यूसेज कर रहा हूँ, शायद एक आध बार मेरा लेट पेमेंट चार्जेस लगे हैं, बट आई हैव केप्ट अ डिसिप्लिन कि कभी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को डिले से नहीं किया है, और इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर्स। अब कार्ड कौन सा लेना है, कैसा लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसका प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए। एंड दिस इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस थॉरली अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड इट्स यूसेज। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप नीचे जो नंबर दिया गया है आप उस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए प्लस, एंड रिक्वेस्ट यू टू इन फ्यूचर आप हमें मोटिवेट करते रहिए, एंड वी विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस इट्सेल्फ।